नमस्कार दोस्तों, मैं नाम सूर्य हूँ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। पुष्पा फिल्म के लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि इस फिल्म को एक बहुत बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वो अवार्ड क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो भी हिंदी मार्केट में अवार्ड दिया गया है, इसलिए ये बहुत ज्यादा दुरुस्त और सही अवार्ड है और जानकर आपको बहुत प्राउड होने वाला है। एंड इफ यू आर अल्लू अर्जुन फैन तो आप भाई सातवें आसमान के ऊपर ही जाके रुकने वाले हो। तो खबर कुछ यूं है कि अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा जो 17 दिसंबर 2021 को रिलीज हुई थी, इस फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, वो भी दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स में ये अवार्ड दिया गया है। वैसे कई सारे दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स है, लेकिन ये वन ऑफ द प्रोमिनेंट अवार्ड्स है जिसे काफी लोग मानते हैं। रणवीर सिंह को 83 के लिए दिया गया है एक्टर के तौर पर, कृति सेनन को एक्ट्रेस के तौर पर दिया गया है। बेस्ट फिल्म की अगर बात करें तो वो शेरशाह को दिया गया है हिंदी में, और बेस्ट पिक्चर ऑफ द ईयर कुछ इस तरह का एक नया अवार्ड है, इसे ये दिया गया है पुष्पा को। ठीक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है पुष्पा फिल्म के लिए। उम्मीद करते हैं आने वाले वक्त में ऐसा ही सम्मान पुष्पा को मिले साउथ मार्केट में भी, तो ज्यादा खुशी होगी। चलिए फिलहाल इतना ही।